शंकराचार्य जी भी, अमित बोधानंद जी भी यहाँ पर पहुंच चुके। आज के दिन की शुरुआत हो रही है गौरी माई के मंदिर से, जो कि है गौरी कुंड में, और आज यहीं से उठेगी भगवान शंकर की डोली। फिलहाल यहाँ पर आर्मी वाले भी, आर्मी बैंड के साथ उठेगी, तो आर्मी वाले यहाँ पर तैयार हैं। यहाँ अभी ढोल बैंड बचेगा, उमापति महादेव जी का मंदिर। कुंड से केदारनाथ की इस यात्रा में डोली हमारे पीछे पीछे आ रही है और हम चल रहे आगे आगे। तो जो हम कल हमने यात्रा करी थी वो मैक्सिमम ये थी कि जो हमने अपडेट देना था आपको वो चीज़ था। तो कल के सफ़र के मुकाबले आज के सफ़र में बहुत आफत निकलने वाली। देखो, स्लीपिंग बैग और टेंट मेरे पास है और मेरे साथ भी आगे आगे चलते रहे, कोई पीछे है। केदारनाथ यहाँ से बचा 14 किलोमीटर। अब तो गुड मॉर्निंग, शुभ हर महादेव के साथ होती है नदी के साथ साथ नदी की शुरुआत। अभी हम हैं गौरीकुंड से केदारनाथ के ट्रैक में, मेरे साथ है रोनी भाई यानी कि देवभूमि ब्लॉग। वीरवासा भैरव मंदिर पहुँच चुके हैं अभी, और भोलेनाथ के जयकारों के साथ नीचे से यात्री धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा घोड़े हैं तो परेशानियाँ भी काफ़ी हो रही है देखो यात्रियों को अभी फिलहाल। तो यह है भोजन व्यवस्था केंद्र केदारनाथ में जंगल चट्टी से 50 मीटर पहले, और यहाँ पर भोजन चल रहा है बहुत सारे श्रद्धालुओं का। जगह यात्री ऐसे भी मिलेंगे कि जहाँ पर अपने लिए लकड़ियाँ बना रहे हैं खुद स्वयं, क्योंकि नीचे ये लकड़ी 50 रुपये की मिलती है। महाराज जी हमारे साथ ही है। महाराज जी ठीक हो रहा है? दुकान वाला तो परेशान कर रहा है सबको। तो ये जो काम कर रहे हैं ना, ये काम देखने में तो बहुत वो लगता है इजी, लेकिन इन लोगों के बिना भी केदारनाथ यात्रा संभव नहीं है। तो भाई जी लोग लगे हैं पर्यावरण मित्र, इनसे पूछते हैं। भाई जी कितने बजे से लग जाते हो आप सुबह? 7 बजे। शाम को कितने बजे तक? 5 बजे। भाई 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, इन लोगों के बिना भी केदारनाथ यात्रा अधूरी है। ये कंडी में आदमी को ले जाने में ज्यादा मेहनत लगती है सामान को? भाई यार आदमी को सामान तो तुम्हारा 10 किलो हो जाए तो 70 आती है। हाँ ऐसा। फिलहाल यहाँ पर पहुँच गई है डोली और यहाँ पर विश्राम चल रखा है जंगल चट्टी से थोड़ा सा ऊपर, और हमें मिल गई है हमारे दार्जिलिंग की सुष्मिता दीदी। तो दीदी को हमने अलग भाई के ब्लॉग में देखा था, उस दिन के बाद हम भी इनका वीडियो देखने लगे। बाकी हम चल रहे धीरे धीरे। केदारनाथ यात्रा में ट्रैक से मंदाकिनी नदी का भाई नज़ारा तो बहुत ही देखने लायक होता है। देखो कितनी कलकल बह रही है नीचे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बुरांस के फूल का कलर धीरे धीरे फीका पड़ता हुआ मिलेगा, जैसे कि आप केदारनाथ के और करीब जाएंगे तो ये कलर पूरी तरीके से सफ़ेद में बदल जाएगा। गाल के पेड़ यात्रियों के लिए एक सहारा होते हैं, जैसे कि यात्री हर एक यात्री इसी की डंडी को बना करके ऊपर चढ़ते हैं। तो रिंगाल की पेड़ हैं केदार घाटी में बहुत ज़्यादा हैं, तो केदार घाटी रिंगाल की पेड़ों से भर रखी है भाई। तो केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी रावल जी है वो भी घोड़े में पीछे पीछे आ रहे हैं। तो आगे आगे हमारी डोली बढ़ रही है और पीछे पीछे हम जा रहे हैं भगवान शंकर जी की पंचमुखी डोली, देखने का सौभाग्य अलग होता है। डोली भीमबली पहुंच चुकी है और यहाँ झरनों के साथ साथ एक अलग ही आनंद है। पुल के ऊपर से लोग और भगवान शंकर की डोली जा रही है। भीमबली में डोली ने विश्राम लिया है और यहाँ पर इसका पूजन चल रहा है, और यहाँ पर देखो कि श्री केदारनाथ डोली यात्रा सूक्ष्म जलपान यहाँ पर है। विश्राम में भीमबली में विश्राम के दौरान प्रसाद भी मिल गया है, तो प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं भाई।
धुंध काफी ज्यादा है पहाड़ों में, इसलिए मंदाकिनी नदी भी साफ नहीं दिखाई दे रही इस समय। नीचे रामबाड़ा में भीड़ ज्यादा है, इधर साले घोड़े वाले घोड़े घोड़े चल रहे हैं और इधर साइड आदमी चल रहे भाई। बच्चे भी कंडी के सहारे केदारनाथ यात्रा जा रहे हैं क्योंकि इनके चलने लायक नहीं होता है। हेलो हेलो, यात्रा कर रहे बच्चे। कल रात बारिश होने की वजह से मंदाकिनी नदी का बहाव बहुत ही तेज हो रहा भाई, देखो यहाँ से बहुत कम। यहाँ पर पानी पी रहा है फिलहाल और ऊपर से पानी नेचुरल गिर रहा है पूरा, देखो झरना जैसा है ऊपर से। खाली कंडी का वजन कितना होता होगा? ये खाली कंडी का वजन कितना होता होगा? दस किलो इसी का होता है। में जगह जगह रास्ते गंदे भी हैं, जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था। ये वाला पेज तो मैंने आपको खासकर दिखाया था अच्छे से, तो फिसलन भरा है इसमें, खच्चर चलते ऊपर से बर्फ पिघल के आ रही है, तो ये बहुत डेंजर हो जा रहा है यात्रियों के लिए। डोली के साथ यात्रा करते करते अब हम पहुंचने वाले हैं श्री केदारनाथ धाम, मात्र 3 किलोमीटर यहाँ से बचा है। और हमारे साथ है दीपू भाई। दीपू भाई का वजन कितना किलो है भाई? 30-35 किलो का वजन लेकर के दीपू भाई यहाँ पहुंच गया है। केदारनाथ मंदिर से लास्ट चढ़ाई और इसके बाद लगभग सीधा स्टार्ट हो जाता है। लगभग एक ये पैच है, यहाँ पर से पैदल रास्ता बना रखा है, मेन रास्ता है सामने यहाँ है और लोग यहाँ से पैदल आते हैं, तो ये भी एक रास्ता ही बन गया, शॉर्टकट समझो इसको। वो भाई जी ने दुकान लगा रखी है कोई। घाटी में कल के मुकाबले आज मौसम काफी बिगड़ गया है, जो कल धूप आई थी आज वो कोहरे में बदल गया पूरा। कल यहाँ से चौराबाड़ी ग्लेशियर साफ दिख रहा था, आज वो दिख नहीं रहा है। बोले, 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 बोले। फिलहाल केदारनाथ से लगभग आधा किलोमीटर पहले डोली पहुंच गई है। चलो, 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 चलो। अब इसके बाद यहाँ आर्मी बैंड के साथ अभी परिक्रमा होने वाली है, इसके बाद थोड़ी देर में डोली विश्राम यहाँ पर है। पहले केदारनाथ पहले से अंतिम विश्राम है, इसके बाद विश्राम डोली का सीधे मंदिर में ही होने वाला है। और ये देखो डोली यहाँ पर अभी, और का मंदिर से पहले अंतिम विश्राम है, इसके बाद आधा किलोमीटर बाद केदारनाथ मंदिर पड़ता है, वहाँ पर होगा दूसरा विश्राम और वहाँ पर परिक्रमा होगी, उसके बाद डोली को उठाया जाएगा वहाँ से मंदिर में। और कल अभी शायद आज यहाँ जय श्री केदारनाथ लिखा है उसमें, और वहाँ पर अभी डोली का पूर्ण रूप से सजावट और हो रही है कुछ, इसके बाद डोली को लास्ट मंदिर में स्थापित किया जाएगा। SDRF वाले अब सख्ताई से पेश आ रहे हैं क्योंकि जो एक्सटर्नल आदमी है वो अंदर घुस जा रहे हैं, जिनको बिल्कुल मना था वो अंदर चले जा रहे हैं। चले जी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं दो दिन में दो बार लगातार केदारनाथ आ गया और पीछे से डोली आ रही है हमारी, और अभी महादेव जी की जो वो होगी अभी ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें भी हमें जाने का मौका मिलेगा, तो इससे सौभाग्यशाली बात क्या होगी। कल भी हम आए, आज भी हम आए, कल जब हम आए थे तो कोहरा नहीं था बिल्कुल भी, आज कोहरा लग गया है ऊपर पहाड़ियों में। तो अभी महादेव जी की डोली थोड़ी देर में पहुँचने वाली है, उसके बाद हम वहां दिखाएंगे आपको। अभी फिलहाल यहां पर डोली पहुंची है बैंड में आगे आगे। हम फिर से ओम के पास और सामने देखेंगे तो आप जयकारों के साथ केदारनाथ जी की डोली पहुंच रही है सीधे, अब यहां पहुंचेगी इसी रास्ते, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है भाई, कोई शब्द नहीं है मेरे पास अभी। कुछ इस प्रकार से सज गए हैं महादेव जी और हम पहुंच चुके हैं श्री केदारनाथ धाम फाइनली, तो एक्साइटमेंट की कोई लेवल नहीं है अभी फिलहाल। देखो कितने सुंदर लग रहा था मंदिर, क्या ही भव्य लग रहा है, और नीचे से आ रही है डोली यहाँ से। पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सजावट अलग है और अभी भी सजावट चल ही रही है भाई, देखो बाबा जी को कल दही से आ गया था एकदम से सजा दिया बहुत ही जल्दी जल्दी।
पहुंच गई है डोली इस समय और पुलिस यहाँ पर बल का प्रयोग भी कर रही है। देखो जय महाकाल जरूर लिखना कमेंट में, हर हर महादेव। बहुत भीड़ है भाई, कोई दिक्कत डोली देख ले बाबा की। तो डोली आ गई बाबा जी की फाइनली। अभी हमको यहाँ पर केदारनाथ में परिक्रमा देखने का मौका मिल रहा है। ये देखिए हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखना। शंकराचार्य जी भी, अमित बोधानंद जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे शंकराचार्य जी जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य जी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हर हर ढोल देखा आपने, क्या ही शानदार लग रहा था। देखो ये बजा रहे हैं ढोल, इतना शानदार बजा रहे हैं ना भाई। अभी बारिश लगी है फिलहाल केदारनाथ में, यहाँ पर बहुत तेज वाली, अब बर्फ भी पड़ने के चांस है। देखो सामने पहाड़ियों में और इधर सब तितर बितर हो गए सभी लोग, और हमें भी अपने टेंट पर जाना होगा थोड़ी देर बाद। और हमारे साथ इधर देखो सभी लोग भी गए इनका ढोल होल, तो बहुत ही शानदार बजा। फिलहाल हमारे पाजी अर्षदेव भाई है साथ में, बहुत बढ़िया पाजी। कल ही आ गए थे, कल हम दिखा नहीं पाए पाजी को। होली के आते ही केदारनाथ में फिलहाल बर्फबारी शुरू हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा बर्फ भी पड़ी है, अभी हाथों में जम नहीं रही है। फिलहाल ऊपर की पहाड़ियों में काफी बर्फ पड़ गई है और भीमशिला को भी सजाया जा रहा है। बारिश का कोई तोड़ नहीं है इतनी, मतलब डोली पहुंचते ही बारिश ऐसी पड़ रही है कि मतलब बहुत तेज बारिश पड़ रही है। मैं भी फिलहाल ठीक गया हूँ, तो वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो दिल खुश हो गया। यहाँ पर सभी लोग ब्लॉगर सब वीडियो वाले बहुत ही ज्यादा आए थे। तो देखो तो पाजी फिर से जा रहे टेंट की तरफ, पाजी ठीक है मिलते हैं। तो ठीक है, ये भीमशिला को भी कुछ इस प्रकार से सजा रहे हैं, ये देखो। और बाबा जी लोग, कल वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर खाली था, अब बाबा जी लोग धीरे धीरे शरण लेने लगे हैं इसके किनारे, भीमशिला के किनारे। तो काफी शानदार अनुभव रहा, मेरे लिए पहला अनुभव था, जिंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव था, इससे बेहतर अनुभव मैंने कभी नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए अब चलते हैं हम अपने टेंट में, क्योंकि बहुत तेज बारिश आ गई। देखो पूरा गीला हो गया यहाँ पर, और देखो वीडियो एडिट करते इसको डालते हैं। आपको कैसी लगी ये सेरेमनी, कल दिखाऊंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अब मिलता हूँ आपको
बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिमाल, जय केदार। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखना, इस वीडियो में 400 हर हर महादेव जरूर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको।